नमस्कार, स्वागत है आपका जी मैट में और मैं हूँ आपके साथ सौमिता मिश्र। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बड़ी खबर जो कि उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर है। उत्तर प्रदेश में बजट रिलीज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को अपना पांचवा बजट पेश कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करे। बजट का आंकड़ा 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। इस बार का बजट खास है क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है, यानी बजट को इस बार पुस्तक नहीं बल्कि टैबलेट के सहारे पेश किया है। 2021-22 में योगी सरकार की मौजूद कार्यकाल उनका आखिरी बजट होगा। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के पास किसानों, युवकों, महिलाओं के साथ सभी क्षेत्रों को संवारने का आखिरी मौका है। उत्तर प्रदेश को बनाने का लक्ष्य के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार ने आत्मनिर्भर बजट पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने जो बजट पेश किया है वो पिछले साल के बजट से 37 करोड़ रुपए अधिक है, जिससे ये सबसे बड़ा फंड अलॉटमेंट है। एक लैपटॉप से बजट स्पीच भाषण पढ़ते हुए खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य का ऑलराउंड विकास करना, ये बजट हर किसी पर फोकस कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट इस बजट की। योगी सरकार के पांचवें बजट से हर वर्ग को उम्मीद है। अनुमान तो ये है कि इस बजट से सीएम योगी को किसानों, रोजगार, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, नौजवानों और बुजुर्गों पर भी फोकस है। बजट में खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिए जाने का अनुमान है। ऐसे में कानपुर आगरा मेट्रो, गंगा एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बलिया गाजीपुर लिंक एक्सप्रेस वे, अन्य बड़े प्रोजेक्टों को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। युवाओं के लिए यूपी बजट में खास जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमी बने, वो नौकरी की प्रतीक्षा करने के बजाय खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और साथ ही लोगों को रोजगार दें, इससे प्रदेश का विकास होगा। इसीलिए बजट पर इस पर खास फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ का प्रबंध किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश का फोकस अयोध्या के साथ एयर कनेक्टिविटी पर है। सरकार ने बजट में ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ ही चित्रकूट और सोनभद्रा एयरपोर्ट 2021 में पूरा हो जाएगा। अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ दिए गए हैं। लखनऊ में 50 करोड़ की लागत में राष्ट्रीय प्रयोग स्थल विकसित होगा, जबकि वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा कि प्रदेश में ओवर प्रोडक्शन वाली फसलों को मार्क्ड किया जाएगा। ब्लॉक लेवल पर फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही किसानों को रियायती दाम पर लेन देन का ऐलान किया गया है। सिम सिटी के लिए भी बजट है। कोरोना वैक्सीन सभी के लिए मुफ्त होगी। अयोध्या, काशी, मथुरा और गोरखपुर के पर्यटन विकास के लिए नई योजनाओं की उम्मीद। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी अच्छी खासी धनराशि दी गई। सरकार का ये बजट ऐप में भी उपलब्ध होगा। योगी सरकार का वर्ष 2021-22 का बजट मोबाइल ऐप पर भी देखा जा सकेगा। सरकार ने इसके लिए यूपी सरकार का बजट ऐप तैयार किया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हमारे अकॉर्डिंग तो इस बजट में हर किसी पर फोकस किया है, पर देखना ये होगा कि योगी सरकार ये बजट लोगों की उम्मीदों को पूरा कर पाता है। अगर आपको बजट अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए हमारे चैनल जी मैक्सिम।